नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। कुछ ऐसे भी कोरोना वॉरियर्स हैं जिनकी खबरें आपने बहुत कम ही देखी होगी। हमारे एक साथी जो फिलहाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, ये पत्रकार हैं रोहित जुगलान, हमारे साथ काम कर चुके हैं, फिलहाल अस्पताल में हैं, अपनी सेहत का वो ध्यान रख रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इनसे आपकी बात कराई जाए और आपको ये भी बताया जाए कि जब इन्हें पता चला कि ये कोरोना पॉजिटिव हैं तो क्या लक्षण थे इनमें और अभी फिलहाल अस्पताल में इनका कैसे इलाज चल रहा है। रोहित, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं रोहित जुगलान। रोहित, मेरा पहला सवाल ये है कि आपको कब पता चला कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं? कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिली 18 तारीख को, इसी महीने की 18 तारीख को, और 18 तारीख आई थिंक तकरीबन 12-12.30 बजे का वक्त था जब ऑफिस की तरफ से एक एक जिनके भी टेस्ट हुए थे उनको एक एक करके कॉल जाने लगा, और जिन लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट थी उनको कॉल नहीं गया, जिन लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट थी उनको इंडिविजुअली फ़ोन पर इन्फॉर्म करके बताया जा रहा था कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। तो मुझे भी 18 तारीख तकरीबन 12-12 बजे का वक्त था और ये बताया गया कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी किसी तरह का कोई लक्षण नहीं है लेकिन आप कोरोना पॉजिटिव हैं। और माइल्ड केसेस के दो अलग अलग कैटेगरीज हो रही हैं, एक माइल्ड है और एक जो भयानक वाली कैटेगरी है जिसमें आपके पास सिम्टम्स भी हैं और उससे निकलना भी थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू माइल्ड सिम्टम, तो वो सीवियर कैटेगरी के अंडर हम लोग नहीं आ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बट या 18 तारीख सुबह तकरीबन 12:30 बजे एक जेहन में सवाल आता है, पूरा देश डर रहा है फिलहाल जैसे ही लोगों को पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। जब आपके हाथ में यह रिपोर्ट आई थी, आपको फ़ोन करके जैसा आपने बताया कि बताया गया कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, तो क्या आपको उस वक्त डर लग रहा था? क्या कोई सिम्टम्स थे आप में उस वक्त? डर की जहाँ तक बात है, मैं नहीं कहूँगा कि मुझे डर नहीं लगा, स्वाभाविक है। जिस पेंडेमिक से पूरी दुनिया में इतने लोग प्रभावित हैं, इतने लोगों की मौत हो चुकी है और हम दिन प्रतिदिन उन खबरों के साथ लगातार जुड़े हुए हैं और हम उन खबरों को ट्रीट भी कर रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते, और उन पर जानकारी भी मंगवा रहे हैं और अलग अलग लोगों से बात भी कर रहे हैं, और हमें पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, फाइनल कहाँ तक एक इंसान को ले जा सकता है, तो निश्चित तौर पर डर तो लगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी था, क्योंकि दूसरा जो सवाल है आपका कि क्या इसमें सिम्टम्स भी थे, तो क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक केस है, मतलब आजकल के दिनों में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है कि अब जो एसिम्प्टोमेटिक केस हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो डर लगा, लेकिन क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक थे तो लक्षण नहीं है कोई भी। एक और बड़ा सवाल जो दर्शक जानना चाहते हैं, चूंकि आप अस्पताल में हैं, दो दिनों से आपका इलाज भी चल रहा है, फिलहाल आपको कौन सी दवाएं दी जा रही है, क्या आप ये हमें बता सकते हैं? तो दवाइयों की जो आपने बात कही, एक एसेप्टामाइजिन दी जा रही है, एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जा रही है, और सबसे बड़ी दवाई जो है इस वक्त दुनिया में जो जिसकी चर्चा हो रही है, HCQ हाइड्रोक्लोरोक्विन हमें दी जा रही है। उसके अलावा विटामिन को इन्हांस करने के लिए, खासतौर पर विटामिन सी को इन्हांस करने के लिए दवाई दी जा रही है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दवाइयाँ दी जा रही हैं। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि इंस्ट्रूमेंट्स हमें दिए गए हैं, ये थर्मामीटर आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, और ये हमें अपना इंडिविजुअल दिया गया है, ये पर्सनल है। इसके अलावा ये एक पल्स ऑक्सीडो है जिसमें आपका, जैसे ये मैं ये बटन दबाऊंगा तो ये इसमें जस्ट एक इस तरह से फिंगर इंसर्ट करनी है आपको, और ये जो है ये आपका हार्ट बीट बताएगा एक मिनट में, जो आम औसत जो दिल की गति होती है वो 72 बार होती है, मतलब 72 बार एक मिनट में धड़कता है एक स्वस्थ आदमी का दिल, तो आपको दोनों चीज़ें बताएगा, प्लस आप कितनी ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं। जैसे ये जो आप 98 देख रहे हैं, ये अगर 94 से नीचे है तो मुझ में प्रॉब्लम है, लेकिन इस वक्त पे ये 98 है और मेरा दिल भी इस वक्त पे ठीक गति से धड़क रहा है, तो ये आपको लगातार चेक करना है, ये हमें एडवाइस किया गया है। तो ये है, प्लस इसके अलावा बीपी मीटर हमें दिया गया है, ये थर्मामीटर, जस्ट आपको एक बटन दबाना है इसका, ये यहाँ पर आप ये बटन देख रहे हैं, ये साउंड करेगा एक, आप इसको यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद जैसे ही ये बीप साउंड कर लेगा, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अपने पास रखनी है खासतौर पर इस समय में। तो ये जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है वो इस तरह से हो रहा है।
एक और सवाल, चूंकि लगातार WHO की तरफ से या अलग अलग लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप ये खाएं तो आप ठीक रहेंगे, आप वो खाएं तो आप ठीक रहेंगे, या आप कुछ चीज़ों को अवॉइड करें, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अस्पताल में आपको खाने में या आपकी डाइट में किन किन चीज़ों को शुमार किया गया और किन चीज़ों को आपको फिलहाल मनाही है कि आप फिलहाल नहीं खा सकते? खाने में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बहुत अलग चीज़ें दी जा रही हैं या बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव चीज़ें दी जा रही हैं जो हम ऑर्थोडॉक्स मानते हैं मेडिकल के फील्ड में या फिर जब आप पेशेंट हो जाते हैं उस फील्ड में, ऐसा कुछ नहीं है। खाना नॉर्मल दिया जा रहा है, रोटियां हैं, पेट भर के खाना दिया जा रहा है, सबसे अच्छी बात तो ये है, और दाल सब्जी सलाद में खीरे दिए जा रहे हैं तो वो चीज़ है। चावल खाने के लिए मना किया गया है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके गले में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है उसके लिए मना किया गया है, जैसे दही हो गई, कोई ठंडा, कोई भी ऐसी ठंडी चीज़ हो गई, ठंडा पानी पीने के लिए मना किया गया है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि आप नॉर्मल पानी भी मत पीजिए जो कि बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होता है, उसे भी अवॉइड कीजिए, गर्म पानी पीजिए सिर्फ, लेकिन उससे ये होगा कि आपके गले में जो वो सूखेगा बहुत जल्दी, प्यास आपको ज़्यादा लगेगी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, प्यास आपको लगे जितनी बेहतर हो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, कोशिश कीजिए आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रह सके। तो खाने में ऐसी कोई मनाही नहीं है, ठंडी चीज़ मत खाइए जो आपके गले को पकड़ ले। विटामिन सी संतरे में होता है लेकिन संतरा फिर ठंडा भी होता है, तो दोनों चीज़ आपको देखनी पड़ेंगी कि आप विटामिन सी को एनहांस ज़रूर करना है, ऑरेंजेस को कहा गया है लेने के लिए, लेकिन उसकी जगह पर आप नींबू ले सकते हैं, तो ये आप ज़रूर कर सकते हैं। एक और बड़ा सवाल, आपको फिलहाल जी सर कितने दिनों तक अस्पताल में रहना है ये तो नहीं पता, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि आप क्रिकेट प्लेयर भी रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी ही अस्पताल से अपने घर वापस आ जाएंगे स्वस्थ होके, लेकिन फिर भी फिलहाल अस्पताल में चूंकि आप रात दिन लगातार बैठे हुए हैं, टाइम पास करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? टाइम पास के लिए तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं यहाँ हमारे पास, लेकिन कुछ किताबें मैं अपने साथ लाया था, जैसे ही मुझे पता चला कि मैं अब अच्छे खासे दिनों के लिए एक कैद में जाने वाला हूँ, तो ये किताब है मेरे पास, राजदीप सरदेसाई की किताब है 2019 हाउ मोदी वॉन इंडिया, तो ये किताब है मेरे पास यहाँ पे। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अलावा जो मेरे पास किताबें हैं उनमें मैं ये जो एक ऑटोबायोग्राफी है एन अनसुटेबल बॉय पूनम सक्सेना की है करण जौहर पे, ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें कही गई है, ऐसा नहीं है कि मैं करण जौहर की जर्नी से बहुत फैसिनेट हूँ, लेकिन इस किताब में कई किस्से हैं भारतीय फिल्मों के और उस दौर के, जिस दौर की फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ, मतलब मेरे बचपन के दिनों की फिल्मों में के बहुत सारे किस्से हैं इसमें, तो वो मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ। ये जितेंद्र कुमार सोनी की कविता परस्पर है, ये कविताओं का संग्रह है बहुत शानदार, इसे मैं फिलहाल इसे पढ़ रहा हूँ अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ, और ये एक कॉपी है मेरे पास जिसपे मैं लिखता रहता हूँ, अपने अनुभव लिखता रहता हूँ, तो इस तरह से टाइम पास हो रहा है। इसके अलावा मैं नेटफ्लिक्स भी यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैं द लास्ट डांस एक बास्केटबॉल पर बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री है ये वो देख रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं टाइम पास के लिए, और गेम वेम खेल रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, ऑब्वियसली जो हर आदमी कर रहा है इस वक्त वो जरूर कर रहे हैं। एक और सवाल है मेरा कि जी अस्पताल में क्या आपके साथ कितने मरीज हैं वहाँ पर, और क्या मरीजों के बेड के बीच में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है? तो हमारे साथ इस वक्त पे अगर मैं एक वार्ड की बात करूँ तो 6 लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और चीज़ें बेहतर है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अलग अलग वार्ड्स में, डिफरेंट वार्ड्स है, फीमेल वार्ड अलग है, मेल वार्ड अलग है, तो बहुत विस्तार से हर चीज़ को यहाँ पर डेवलप किया गया, बहुत तैयारी के साथ इस पूरे के पूरे सेंटर को तैयार किया गया है और हर बेसिक से बेसिक चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि खास तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर साफ सफाई हो, उसका आप लोग भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, जो कि बेसिक हाइजीन होता है उसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप सक्सेसफुली टैकल कर पाएंगे ये सारी की सारी चीज़ें, और उस तरह की हर तैयारी यहाँ पर है। अगर आप हाइजीन को लेकर बात कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं, ये मास्क जो आप देख रहे हैं ये भी यहीं से प्रोवाइडेड है और 2 मास्क अलग अलग दिए गए हैं, तो ये चीज़ें हैं, तो हाइजीन का भी ध्यान है, और कुल मिला के हम 6 लोग हैं। वैसे जी का जो आपने केस, क्योंकि मैं जी न्यूज़ से हूँ तो आप जानते हैं कि ये 30 केसेस हो चुके हैं। आप तो जी रोहित जी, अस्पताल ने आपको क्या एहतियात बरतने के लिए फिलहाल कहा है कि आप इन एहतियात को लगातार बरतें, चाहे आप अस्पताल में रहें या इसके बाद आप घर ही क्यों ना चले? अस्पताल ने जिन एहतियातों को बरतने के लिए कहा है उसमें वही सारी चीज़ें हैं कि ठंडी चीज़ें अवॉइड कीजिए, खाना बहुत ज़्यादा, मोबाइल का यूज़ भी मत कीजिए,
सोइए टाइम से, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोएंगे उतनी आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। तो अच्छी एक हेल्दी स्लीप लीजिए, मोबाइल कम से कम यूज़ कीजिए। उन्होंने किताबें पढ़ने के लिए कहा है, इसीलिए ये जो मेरे पास पूरा का पूरा कनेक्शन है ये मेरी बहुत मदद कर रहा है और मैं सही तरीके से पालन कर पा रहा हूँ जो भी वो लोग कह रहे हैं। गर्म पानी जैसा मैंने सब कुछ आपको बताया, तो वही सारी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें आप यू नो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं जब आपको ठंड लगी होती है, जब आपको खांसी जुकाम होता है, ठीक उसी तरह के प्रिकॉशंस हैं और वही लेने के लिए कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें एडवाइस की गई हैं और अपना ध्यान रखने की बहुत बहुत बात यहाँ पर लगातार कही जा रही है, क्योंकि डॉक्टर्स भी उस पर पूरा का पूरा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक और बड़ा सवाल, चूंकि आप में कोई लक्षण नहीं था, ऐसे में जो लोग भी आपसे संपर्क में आए हैं उनके लिए आपको अथॉरिटी ने क्या कहा है या उन तक आपने क्या मैसेज पहुंचाया है? हमारे संपर्क में जो लोग आए हैं उन्हें अगर कोई प्रिलिमिनरी सिम्टम नहीं नज़र आ रहा है, प्राइमा फेसी जो प्राथमिक दृष्टया है उस तरह से कोई सिम्टम नहीं नज़र आ रहा है तो उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया है। अगर वो घर पर अकेले रहते हैं, जैसे मैं अपनी मम्मी के साथ यहाँ पर रहता हूँ और मेरी माता जी को होम क्वारंटीन किया गया है, और क्योंकि मैं इस बीच एक बार घर गया था तो इस वजह से जो भी हम लोगों के कॉन्टैक्ट में आए हैं अगर उन लोगों को कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं और अगर वो घर पर अकेले रहते हैं तो उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया है। और टेस्ट उनका जो ICMR की नई गाइडलाइंस आई हैं 12 दिन बाद होगा, और सिम्टम दिखते हैं तो पहले भी हो जाएगा लेकिन सिम्टम नहीं दिखते हैं तो 12वें दिन के बाद टेस्ट होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी जो हमारे प्राइमरी कॉन्टैक्ट में आई है उन लोगों के साथ इसी तरह से उनको रखा जा रहा है, और अगर उनमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो टेस्ट है, और अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसी तरह से वो अस्पताल में होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें फॉलो करने के लिए कहा गया है। रोहित जुगलान, आप मीडिया वॉरियर्स हैं, ऐसे में जो साथी रात दिन खबर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मीडिया वॉरियर नाम देने के लिए शुक्रिया, और क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये चीज़ मीडिया के लोग या मीडिया से बाहर के भी लोगों मीडिया को उस तरह से एक वॉरियर नहीं माना जा रहा है। इसमें डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल की जानी चाहिए, पुलिस वालों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल की जानी चाहिए, नर्सिंग स्टाफ की बात हो रही है, एम्बुलेंस में जो ड्राइवर, हम बहुत क्लोजली, अब तो हम मतलब फर्स्ट हैंड इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो लोग हैं असल में वॉरियर उनका काम अब देखने को मिल रहा है, और अब तक सिर्फ वो किसी से सुनकर हम रिपोर्ट लिखते थे, अब देखकर जो भी लिखेंगे वो लिखेंगे। लेकिन मीडिया वॉरियर, मीडिया वालों को इस तरह की इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है जो कि मुझे लगता है मिलनी चाहिए। तो मैं अपने साथियों को यही संदेश देना चाहता हूँ यार कि काम जरूर कीजिए, क्योंकि इस समय पे अगर मीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हटकर भागेगा तो फिर समाज तक वो सारी बातें नहीं पहुँच पाएंगी जो अब तक वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मतलब अगर डॉक्टर्स अच्छा कर रहे हैं तो ये आम लोगों को कैसे पता चल रहा है? हम बेसिकली इस वक्त पे सरकार हो या डॉक्टर हो या पुलिस हो, उसके बीच एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, और ब्रिज का काम करते हुए जो चीज़ें इधर से उधर तक पहुंच रही हैं उसके लिए एक मीडिया एकमात्र, अलग अलग तरह के माध्यम, मैं नहीं कह रहा सर टीवी मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मैग्स, एवरीथिंग, जो भी चीज़ जिस भी माध्यम से आप जानकारी जुटा पा रहे हैं तो आप लोगों तक वो सारी चीज़ें पहुँच रही हैं। तो इसीलिए मीडिया इस वक्त पे एक यू नो पीछे नहीं खिसका सकता अपने आप को, पूरे एहतियात बरतिए, पूरे ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए, बाहर मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हर तरह से अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपना काम जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस चुनौतीपूर्ण वक्त में। मुझे नहीं पता कि मीडिया का कोई कोई स्वर्णिम दौर था या नहीं था, लेकिन ये सबसे चुनौतीपूर्ण दौर है, तो इसमें हम पीछे नहीं हट सकते और अपने काम को उसी तरह से अंजाम देते रहिए जैसे आप अब तक देते आए थे। मैं भी यहाँ से जैसे ही लौटूंगा, इस लड़ाई को जीत कर जैसे ही लौटूंगा, मैं फिर एक बार फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह काम करता नजर आऊंगा। तो मैं अपना ध्यान रख रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखिए और बस वो दुआ में याद रखिए। ये थे हमारे साथ रोहित जुगलान, उम्मीद करते हैं कि जल्दी स्वस्थ होकर ये वापस अपने काम पर लौट सकेंगे। ये हमारे मीडिया साथी हैं जो लगातार इस कोरोना के संकट के समय में भी आप तक खबर पहुंचा रहे थे, लेकिन फिलहाल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, अस्पताल में हैं, अपना इलाज करा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी स्वस्थ होकर वापस अपने काम पर लौटेंगे।